झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में 27 नवंबर को हुई संदीप नाम के युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के ही सगे जीजा को गिरफ्तार किया है। दरअसल झांसी के ग्राम कुम्हरिया का रहने वाले संदीप को फोटोग्राफी कराने के नाम पर 18 अक्टूबर को घर बुलाया और आरोपी ने खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के कुछ देर बाद संदीप को नींद आ गई। एकांत का फायदा उठाकर आरोपी ने अपने सगे साले संदीप को पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। जब पुलिस ने मृतक के जीजा अनिल कुशवाहा से पूछताछ की कि उसने मृतक संदीप की हत्या करने की योजना इसलिए बनाई थी क्योंकि मृतक की बहन से अनिल के अवैध संबंध थे और मृतक बाधक बन रहा था, इस कारण आए दिन विवाद होता था, इसलिए साले को रास्ते से हटाने का फैसला जीजा ने कर लिया। योजना के मुताबिक अनिल ने मौका पाकर संदीप को घर बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। इसने पहले ऑमलेट में उनको नींद की गोली खिलाई और उसके बाद जहां पे मारा वहां पर लेकर गया। जब उसने कहा कि इसको नींद आ रही तो उतार करके आराम करने के बहाने, ले जाने के बहाने वहां पे उतारा मोटरसाइकिल से और ईंट से कुचल करके पत्थर से उनकी हत्या कर दी। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इनको गिरफ्तार किया गया है और हत्या के दिन से ही ये घटना को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहा था। संदीप की किसी लड़की से प्रेम संबंध थे जो उसी घटनास्थल के आसपास कहीं रहती थी, तो उस पर डाइवर्ट करने के उद्देश्य से, उसके परिजनों को डाइवर्ट करने के उद्देश्य से इसने इस घटनास्थल को यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। सारी बातें इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कबूल कर ली हैं, इनको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन में आगे की कार्रवाई की जा रही है।